सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो लास्ट लेक्चर अपन अपना जो फर्स्ट पेपर चल रहा था डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल में, अपन अपना सेकंड फाइलम पोरीफोरा कंप्लीट कर चुके थे। और उस फाइलम में अपन ने दो स्पीसीज़ के बारे में डिस्कस किया था, साइकन और ल्यूकेसिलेनिया के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, उनका हैबिटेट कैसा था, स्केल्टन सिस्टम की अपन ने बात की थी कि उनमें जो स्पिक्यूल्स हैं वो कैल्शियम या सिलिका की या फिर स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बनी हुई है, और काफ़ी कुछ चीज़ें अपन ने उसमें डिस्कस की थी। उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट फाइलम आ रहा था उस फाइलम की बात कर रहे थे अपन, सीलेंटेटा फाइलम की। ठीक है, तो नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं अपन, सीलेंटेटा। चलिए देखिए, कोई भी फाइलम जब अपन पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले उस फाइलम के जनरल फीचर्स की अपन बात करते हैं। जनरल कैरेक्टर या जनरल फीचर की बात करते हैं कि हर फाइलम के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, उसी बेस पे उस फाइलम का नाम दिया गया, उस फाइलम का क्लासिफिकेशन उन्हीं बेस पे किया गया है। और इससे पहले अपन जब जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उस टाइम पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की थी अपन ने, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पे ही ये सारे के सारे फाइलम अपने चल रहे हैं। यहाँ देखिए अपन बात कर रहे हैं सीलेंटेटा फाइलम की, और सीलेंटेटा फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स की तरफ जाते हैं अपन। तो सबसे पहले देखिए इस ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे सीलेंटेटा का, तो इसमें एक सीलेंट्रोन या गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी होती है। सीलेंट्रोन या गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी, इसी की वजह से इसका नाम सीलेंट्रोन। गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी, ठीक है। जैसा अपन बात करते हैं कि सीलोम की, यहाँ सीलोम नहीं है, ट्रियोसीलोम एब्सेंट है, लेकिन सीलोम जैसे ही कैविटी होती है अंदर की तरफ, जैसे अपन ने पोरीफोरा फाइलम में बात की थी कि पोरीफोरा फाइलम में जो कैविटी है उसको अपन ने स्पोंजोसील कैविटी नाम दिया था, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ जो कैविटी है उसको सीलेंट्रोन कैविटी या गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी नाम देते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ स्पेसिफिक कैविटी है एक तरीके से मान के चलिए, तो उस कैविटी में आप देखेंगे तो अंदर की तरफ सीलेंट्रोन या गैस्ट्रावेसिकुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। देखिए अब अपन जनरल कैरेक्टर की तरफ मूव करते हैं थोड़ा। जनरल कैरेक्टर आप देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है ये देखिए, यहाँ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू सिस्टम, पोरीफोरा में जब अपन बात कर रहे थे तो वहाँ अपन सेलुलर लेवल की बात की थी कि पोरीफोरा की जो भी स्पीसीज़ हैं उनमें जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। यानी वहाँ अपन ने बात की थी कि बाहर की तरफ पिनेकोडर्म सेल्स होती हैं, अंदर की तरफ कोइनोडर्म सेल्स होती हैं, बीच में अमीबोसाइट सेल्स होती हैं, वो डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई होती रहती हैं। फिर उसमें जैसे स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स है, आर्कियोब्लास्ट सेल्स है, थियोसाइट्स हैं, इस तरीके से वो अलग अलग तरीके से डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई होती रहती हैं। तो यहाँ वहाँ अपन ने बात की कि सेल्युलर लेवल ऑफ ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ बात कर रहे हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि सेल्स का ग्रुप मिलकर बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए अपन यहाँ टिश्यू ग्रेड की बात कर रहे हैं, सबसे पहला कैरेक्टर आता है। उसके बाद में दूसरी बात करते हैं यहाँ, तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। यानी कि दो जर्मिनल लेयर्स यहाँ प्रेजेंट होती है, इसलिए अपन इनको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। पोरीफोरा को भी अपन डिप्लोब्लास्टिक बोल रहे थे क्योंकि दो तरीके की सेल्स थी वहाँ, या एक तरफ पिनेकोडर्म दूसरी तरफ कोइनोडर्म, तो यानी एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस दो तरीके की सेल्स, तो यहाँ जो ऑर्गेनिज्म है ठीक है उनको बोलते हैं अपन डिप्लोब्लास्टिक मोस्टली। तो और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम हो गया, उसके बाद में कैसे हो गए, डिप्लोब्लास्टिक हो गए। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी या
सिलेंट्रोन कैविटी की बात करते हैं, क्योंकि अभी देखा अपन ने कि सिलेंट्रोन नाम कैसे रखा हुआ, सिलेंट्रेटा जो फाइलम है, सिलेंट्रेटा फाइलम स्पेसिफिक जो कैविटी है सिलेंट्रोन कैविटी है, उसी की वजह से तो यहाँ सिलेंट्रोन कैविटी प्रेजेंट होती है, सिलेंट्रोन कैविटी या गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी अपन इसको नाम देते हैं। उसके बाद में फिर अपन सिमेट्री की बात करते हैं, या रेडियली सिमेट्री होती है। यहाँ सिमेट्री की अगर आप बात करेंगे तो रेडियली सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री भी बोल सकते हैं अपन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपन कहीं से भी अगर काटें तो वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ मूव करें अपन, तो यहाँ देखिए एक तरीके से जो नर्वस सिस्टम है वो भी हल्का सा डेवलप हो गया, लेकिन प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम यहाँ है, प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम है। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो ऑर्गन्स यहाँ एब्सेंट होते हैं। मोस्टली स्पीसीज कैसी होती हैं, मेराइन होती हैं, कुछ स्पीसीज फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे हाइड्रा की अपन बात करेंगे तो फ्रेश वाटर स्पीसीज है। इसके अलावा मोस्टली स्पीसीज कैसी होती हैं, मेराइन, तो अपन कह सकते हैं नेक्स्ट करेक्टर में मोस्टली स्पीसीज। मेराइन एंड फ्यू स्पीसीज और फ्रेश वाटर, ठीक है, कुछ स्पीसीज फ्रेश वाटर में मिलेंगी। इसके अलावा मोस्टली स्पीसीज कहाँ मिलेंगी, मेराइन वाटर में मिलेंगी। इसके बाद में फिर नेक्स्ट कैरेक्टर अपन और देखते हैं, तो देखिए यहाँ हर फाइलम का मैंने बताया स्पेसिफिक कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर यानी कि यहाँ निमेटोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं इनको, या निमेटोसाइट सेल्स बोलते हैं। निमेटोसिस्ट सेल्स बोलते हैं, ये इस फाइलम का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, जिनको आप हिंदी में बोलते हैं दंश कोशिकाएँ, ठीक है। दंश कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, दंश कोशिकाओं की उपस्थिति इस फाइलम का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, यानी कि यहाँ निमेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं या दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ के जो ऑर्गेनिज्म हैं या तो फ्री लिविंग मिलेंगे, ठीक है, या सेसाइल कहीं जगह पर स्थिर मिलेंगे, या फिर कॉलोनी में मिलेंगे आपको, जैसे आप ओवेल या कॉलोनी की बात करते हैं तो कॉलोनी में मिलेंगे, या फिर फ्री लिविंग मिलेंगे, या फिर सोलिट्री मिलेंगे, तो किसी ना किसी रूप में आपको ये ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन, यहाँ रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम्स जितने भी हैं वो एब्सेंट होंगे, क्योंकि अभी सिस्टम काम करने ही नहीं लगे, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम की अपन ने बात ही नहीं की, यहाँ तो अपन टिश्यू लेवल की बात कर रहे हैं। तो जो रेस्पिरेशन है वो भी जनरल सरफेस से होगा, एक्सक्रेशन है वो भी जनरल सरफेस से होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो भी कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप होंगे ऑर्गन सिस्टम डेवलप होने के बाद में, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी तक नॉर्मली ये सब चीज़ें एब्सेंट हैं। उसके बाद में देखिए स्पेसिफिक कैरेक्टर, टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं, या जिनको स्पर्शक बोलते हैं आप, टेंटेकल्स की प्रेजेंस इस फाइलम का कैरेक्टर है, यानी टेंटेकल्स आपको इस फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें टेंटेकल्स मिलेंगे। उसके बाद में देखिए ये पॉलीमॉर्फिक एक कैरेक्टर होता है, पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक या जिसको मेटाजेनेसिस आप बोलते हैं, या जिसको आप पीढ़ी एकांतरण भी बोलते हैं, यानी कि इनकी एक जो स्टेज है जो सेक्सुअल स्टेज है उस एसेक्सुअल स्टेज है उसमें पॉलिप, और दूसरी जो सेक्सुअल स्टेज है उसमें मेडुसा स्टेज मिलेगी आपको, यानी कि लाइफ साइकिल में जो भी है इसके है, उसमें दो स्टेज होती हैं, एक पॉलिप और दूसरी मेडुसा, यानी पॉलीमॉर्फिक होते हैं ये, नेचर में कैसे होते हैं पॉलीमॉर्फिक, यानी दो साइकिल चलते हैं लाइफ में इसमें, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन की बात करें तो दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन यहाँ मिलेंगे, यानी कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ बात करते हैं अपन। रिप्रोडक्शन दोनों तरीके का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो गैमिट का फॉर्मेशन होगा,
ठीक है, गैमिट का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद में इसमें लार्वल स्टेज भी बनती है और फिर एडल्ट का डेवलपमेंट होगा, यानी कि जो यहाँ अपन बात करेंगे मेडुसा स्टेट जब अपन इसकी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि गोनाड्स प्रेजेंट है, उसमें गैमिट का फॉर्मेशन होता है और गैमिट का फॉर्मेशन होगा उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, देन लार्वल स्टेज बनती है और फिर एडल्ट बनता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखते हैं, कुछ स्पीसीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और वो बडिंग के द्वारा होता है, जैसे हाइड्रा में मुकुलन होता है अपन बात करते हैं, या फिर रीजनरेशन की बात करते हैं कि अगर उसको आप कहीं से काट देते हैं तो भी उसमें नए स्पीसीज डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स थे जो सिलेंटेटा फाइलम के होते हैं। देखिए, जो सिलेंटेटा फाइलम है उसको अपन ने तीन क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहली जो क्लास आती है उसको बोलते हैं हाइड्रोजोआ। ठीक है, फर्स्ट क्लास कौन सी है? हाइड्रोजोआ है। दूसरी क्लास है साइफोजोआ। ठीक है, और थर्ड क्लास है एंथोजोआ। तीन क्लासेज में अपन ने इसको डिवाइड कर रखा है, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन हाइड्रोजोआ क्लास की, कि हाइड्रोजोआ क्लास में कौन से में एनिमल्स आते हैं और किस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। देखिए, हाइड्रोजोआ की बात करते हैं अपन, तो हाइड्रोजोआ में मोस्टली जो स्पीसीज है वो यहाँ दोनों तरीके की स्पीसीज होती है, मोस्टली मैराइन होती हैं और कुछ फ्रेश वाटर की स्पीसीज होती हैं, तो यानी मैराइन और सम फ्रेश वाटर, दो तरीके की स्पीसीज हैं दोनों। इसके बाद में फिर अगर यहाँ बात करें तो ये कैसे मिलेंगे, सोलिटरी होंगे या फिर कॉलोनियल होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए गैस्ट्रोएसिफिलर जो कैविटी है वो उसमें आप देखेंगे तो स्टोमोडियम यानी एब्सेंट होता है, वो अपन जब इसको एनिमल पढ़ेंगे तब बात करेंगे वहाँ पे। इसके बाद में इसमें पॉलीमॉर्फिज्म या सेमेट्री की बात करते हैं, यहाँ पे तो टेट्रामरस सेमेट्री प्रेजेंट होती है। रिप्रोडक्टिव जोइड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, यानी कि रिप्रोडक्टिव जो जोइड्स हैं यानी दोनों पॉलीप और मेडूसा, देखिए यहाँ पॉलीप और मेडूसा दोनों स्टेज यहाँ प्रेजेंट होती हैं। हाइड्रोजोआ में आप बात कर रहे हैं कि मोस्टली स्पीसीज मैराइन है, फ्रेश वाटर कुछ स्पीसीज जैसे हाइड्रा फ्रेश वाटर के हैं, दोनों स्टेज यानी पॉलीप और मेडूसा दोनों जोइड्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लार्वा की अगर बात करेंगे यहाँ तो जो लार्वा है वो सीलिएटेड प्लेन्यूला लार्वा होता है। इनका लार्वा कौन सा होता है? प्लेन्यूला लार्वा होता है, जो सीलिया उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में स्केल्टन की बात करेंगे तो कुछ स्पीसीज में आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, या कुछ स्पीसीज हैं जो आपको कोरल्स मिलते हैं, जो कोरल्स की आप बात करेंगे तो वो कोरल्स भी कहाँ होती हैं? यहाँ प्रेजेंट होती हैं, इसमें हाइड्रोजोआ में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इन कोरल्स में कोरल्स को अपन हाइड्रोजोआ में रखते हैं। देखिए, इसके बाद में यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स की आप बात करेंगे तो यहाँ जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल आपके पास में आता है हाइड्रा, इसके बाद में दूसरा आपके पास में ओबेलिया, ओबेलिया कॉलोनी की जो आप बात करते हैं, उसके बाद में आपके जैसे फाइसेलिया है, फाइसेलिया इसमें आता है, उसके बाद में मिलीपोरा है वो इसमें आता है। तो ये जो स्पीसीज हाइड्रा, ओबेलिया, मिलीपोरा वो किसकी स्पीसीज है? हाइड्रोजोआ की, यानी इनकी जो लाइफ साइकिल है उसमें पॉलीप और मेडूसा दोनों स्टेज आपको देखने को मिलेंगी। लार्वा होगा यानी प्लेनुला लार्वा स्टेज भी इनमें प्रेजेंट होती है। स्केल्टन जो है कुछ कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके बाद में फिर अपन बात करते हैं दूसरा अपना जो क्लास है साइफोजोआ। साइफोजोआ की जैसे बात करेंगे तो मोस्टली जो स्पीसीज है वो कैसी होती है? मैराइन ही होती है। यहाँ की जो स्पीसीज की बात करेंगे
मैराइन यानी समुद्री होती हैं जितनी भी स्पीसीज है। यहाँ अपन ने ओब्लिक लिखा है कि मैराइन ओब्लिक फ्रेश वाटर, यानी कि कुछ स्पीसीज फ्रेश वाटर में थी, जैसे हाइड्रा की अपन बात करते हैं तो हाइड्रा कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर की स्पीसीज है। फ्रेश वाटर स्पीसीज हाइड्रा, इसलिए अपन ने कहा इनको मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों। यहाँ देखिए साइफा की अपन बात करते हैं, साइफोजोआ की, तो ये मैराइन स्पीसीज है मोस्टली। इसके बाद में अपन ने बात की इनकी, इनमें दोनों तरीके के जोइड्स प्रेजेंट थे, यानी कि यहाँ आप देखेंगे तो एक ही जोइड यानी मेडूसा प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ एक ही तरीके का जोइड मिलेगा आपको, जो भी मेडूसा, यानी कि यहाँ जो पॉलिप स्टेज है वो एब्सेंट होती है, या पॉलिप स्टेज अपन यूँ कह सकते हैं कि डोमिनेंट नहीं होती है, वहाँ एक रेसेसिव फॉर्म में आपको मिलेगी, लेकिन या फिर एब्सेंट भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो पॉलिप मेडूसा स्टेज है वो यहाँ पे डोमिनेंट स्टेज है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन और देखें तो स्ट्रक्चर आपको कप जैसा, ये मेडूसा का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कप जैसा या अम्ब्रेला शेप में दिखाई देता है, वो अपने को पता है कि मेडूसा का स्ट्रक्चर। अभी अपन बात करेंगे आगे जब एनिमल पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से देखेंगे। इसमें आप देख रहे हैं चारों तरफ देखेंगे तो अम्ब्रेला शेप में स्ट्रक्चर है, उसमें आपके टेंटेकल्स नीचे की तरफ इनमें लटके हुए आपको दिखाई देंगे, जैसे अम्ब्रेला में नीचे की तरफ कोई झालर लगा हुआ, उस तरीके से टेंटेकल्स पूरे उस पर स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में इसमें अगर आप एग्जांपल देंगे तो जैसे ओरेलिया की अपन बात कर सकते हैं, ओरेलिया को साइफोजोआ क्लास में रखा गया है। उसके बाद में लास्ट जो क्लास आती है आपके पास में, लास्ट क्लास है एंथोजोआ। एंथोजोआ को आप देखेंगे तो ये भी मोस्टली कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, ये स्पीसीज भी मोस्टली मैराइन है, और यहाँ एक स्टेज मिलती है, यहाँ पॉलिप स्टेज डोमिनेंट होती है, यानी पॉलिप स्टेज ही मिलती है, मेडूसा वहाँ पे एब्सेंट मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा इन तीनों का क्लासिफिकेशन दिखाई देता है कि नॉर्मली सिलेंट्रेटा को अपन ने तीन क्लासेस में डिवाइड किया है, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ, ठीक है। सिलेंट्रेटा का मतलब क्या है, अपने स्पेसिफिक करेक्टर देखे इनके, तो यहाँ स्पेसिफिक करेक्टर में अपने पास में आए कि एक तो नीडोब्लास्ट सेल्स जिनको बोलते हैं, नेमेटोसाइट्स बोलते हैं, वो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दंश कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। जब एनिमल पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर देखेंगे कि दंश कोशिकाएं किस तरीके की होती हैं और कैसे वो उनकी मैकेनिज्म होती है कि कैसे वो काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन ने नाम देखा कि सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रॉन, कैविटी प्रेजेंट होती है या गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी प्रेजेंट होती है अंदर, इस वजह से इस फाइलम का नाम पड़ा है। तो दो तीन चीज़ें अपने पास में आ गई, सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी, नीडोब्लास्ट सेल्स, उसके बाद में अपन ने कहा टेंटेकल्स की प्रेजेंस और पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, यानी एक स्टेज में पॉलिप और दूसरे में मेडूसा। देखिए अपन ने यहाँ बात किया हाइड्रोजोआ में दोनों स्टेज अपने को मिल रही है, पॉलिप और मेडूसा। साइफोजोआ में अपन बात कर रहे हैं सिर्फ मेडूसा की, और एंथोजोआ में अपन बात कर रहे हैं सिर्फ पॉलिप की। तो तीनों स्टेज अपने को यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और इसी बेस पे अपन ने इनका क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो ये कुछ स्पेसिफिक करेक्टर थे फाइलम सिलेंट्रेटा के और इस तरीके का इनका क्लासिफिकेशन था। अब अपन इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है उन ऑर्गेनिज्म की अपन बात करने वाले हैं कि यहाँ कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं इस फाइलम में और कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो दिखते हैं, कैसा उनका हैबिटेट है, कैसी मॉर्फोलॉजी है, किस तरीके का रिप्रोडक्शन है। देखिए सबसे पहले अपन यहाँ बात करने वाले हैं ओबेलिया की। ओबेलिया को आप देखेंगे तो ओबेलिया कॉलोनी के रूप में आप इसको देखते हैं। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म अपन पढ़ते हैं तो उसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ फाइलम की बात करते हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा की बात करेंगे। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं क्लास की बात करेंगे। यहाँ क्लास अभी अपन ने बात की थी, क्लास कौन सी थी, हाइड्रोजोआ की बात की थी अपन ने।
उसके बाद में अपन यहाँ ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर यहाँ देखेंगे तो हाइड्रोइडिया ऑर्डर होता है, जीनस ओबेलिया है, और इसके बाद में स्पीसीज़ की यहाँ बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप के अलग अलग स्पीसीज़ हैं उनकी अपन यहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले क्लासिफिकेशन अपन ने देखा कि सिलेंटेटा फाइलम है, क्लास हाइड्रोजोआ है, ऑर्डर हाइड्रोइडिया है, जीनस ओबेलिया है, और स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ हैं इनकी। तो ओबेलिया की अपन सिंपल सी बात कर रहे हैं, तो ओबेलिया आपको ओबेलिया कॉलोनी की बात करते हैं, यानी कॉलोनी है तो इसमें दोनों तरीके के जॉइंट्स पॉलिप और मेडूसा आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो सबसे पहले अपन हैबिट और हैबिटाट की बात करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपन पढ़ते हैं तो हैबिट और हैबिटाट की बात करते हैं। यहाँ हैबिट और हैबिटाट की देखिए बात करते हैं यहाँ, तो देखिए ओबेलिया मोस्टली कैसा है, मैराइन है, और ये जनरली आप देखेंगे तो जो वीड्स हैं या जो रॉक्स हैं उन पे ये, या कुछ मोलस्कन सेल हैं उन पे ये चिपका हुआ मिलेगा आपको ज़्यादातर। देखिए पहले ही अपन कह चुके कि ज़्यादातर कैसे जगह मिलेगा, मैराइन वाटर में मिलेगा, मोस्टली मैराइन स्पीसीज़ है ये, और मैराइन स्पीसीज़ है तो वहाँ पे कुछ वीड्स होंगी या कुछ फिशेज हैं या फिर कुछ रॉक्स वगैरह हैं उन पे मिलेगा ये आपको। जस्ट स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो प्लांट जैसा स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है, यानी कि हाइड्रा कैसा दिखाई देता है, प्लांट जैसा ओबेलिया और प्लांट जैसा ही हाइड्रा दिखाई देता है। तो इन स्पीसीज़ को बहुत बार तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई प्लांट स्पीसीज़ है, लेकिन रियली होता क्या है, ओबेलिया और हाइड्रा दोनों ही प्लांट की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये स्पीसीज हैबिट और हैबिटाट की सबसे पहले अपन ने बात की कि हैबिट और हैबिटाट में कैसा है, तो ये मोस्टली मैराइन है और कॉलोनियल फॉर्म में रह रहे हैं, कॉलोनियल हाइड्रोजोन। अभी अपन ने बात की थी कि पॉलिप और मेडूसा दोनों स्टेज मिलती है, तो ये या तो किसी वीड्स पे या किसी रॉक्स पे या किसी मोलस्कन के सेल पे, यानी ये नीचे आप देखेंगे तो 240 फीट तक नीचे की तरफ तक ये आपको समुद्र में मिलते हैं, डेप्थ तक चिपके हुए मिलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो कॉस्मोपॉलिटियन है, यानी कि पूरे विश्व में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉस्मोपॉलिटियन है। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी सबसे पहले हैबिट और हैबिटाट की, उसके बाद में ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म की आप मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो अभी अपन ने कहा कि दिखने में ये कैसा दिखाई देता है, दिखने में ये ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक प्लांट, प्लांट की तरह इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो इस ऑर्गेनिज्म को आप देखेंगे तो बिल्कुल जो कलर है इसका ये व्हाइटिश या लाइट ब्राउन कलर का है, लाइट ब्राउन कलर या व्हाइटिश कलर का आपको ये दिखाई देता है, और नीचे की तरफ सबस्ट्रेटम पे ये चिपका हुआ मिलेगा, ठीक है, नीचे की तरफ चिपका हुआ मिलता है। तो इसको आप नीचे की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रूट है, नीचे की तरफ अभी अपन स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, तो नीचे की तरफ ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये नीचे की तरफ है, इस तरीके से निकला हुआ है ऑर्गेनिज्म, और उसमें फिर पॉलिप और मेडूसा दोनों स्टेज आपको दिखाई देंगे, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर इसका निकला रहता है, ब्रांचेज में ये डिवाइड है, ठीक है। तो ये जहाँ जिस जगह पे लगा हुआ है इसको हाइड्रोजोआ या रूट बोलते हैं अपन, हाइड्रोजोआ या रूट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है नीचे की तरफ। उसके बाद में ब्रांचेज निकल रही हैं, यानी होलो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स के अंदर से ब्रांचेज निकल रही हैं, और पूरा जैसे ट्री में ब्रांचेज होती हैं उसी तरीके का ये आपको दिखाई देता है। तो जो इसका टर्मिनल एंड है उसको आप देखेंगे, जहाँ पॉलीफॉर्म है टर्मिनल एंड है उसको बोलते हैं हाइड्रेंथ, ठीक है, टर्मिनल एंड को अपन बोलते हैं हाइड्रेंथ, और इसी में दोनों तरीके के जॉइंट्स आपको दिखाई देंगे, यानी पॉलिप और मेडूसा, ठीक है। अंदर की तरफ गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी, थोड़ा सा अपन स्ट्रक्चर बना के अच्छे से देख लेते हैं कि किस तरीके का आपको स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई देता है। देखिए स्ट्रक्चर की आप बात करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल
नीचे से आप देखते हैं तो बिल्कुल आपको प्लांट जैसा इनका स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। ये नीचे की तरफ से जैसे रूट, जिसको आप हाइड्रा जो बोलते हैं, इसमें आपको बिल्कुल अंदर की तरफ एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कुछ ऐसा नीचे का स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसका। अब जैसे ही धीरे धीरे अपन ऊपर की तरफ चलते हैं, इस तरीके से जाएंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आपके इसमें जो फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाई देगी, यानी कि दोनों तरीके की फॉर्म यहाँ दिखाई देती हैं आपको, पॉलिप और मेडूसा, ठीक है। दोनों तरीके की स्टेज यहाँ आपको दिख रही है। इस तरीके से ऊपर की तरफ यहाँ टेंटिकल्स लगे हुए हैं। ऐसा कुछ आप स्ट्रक्चर यहाँ देखेंगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई देता है। यहाँ भी आप देखेंगे तो टेंटिकल्स निकले हुए हैं, लंबे से टेंटिकल्स हैं। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस स्ट्रक्चर में आप बिल्कुल आइडिया नहीं लगा सकते कि ये प्लांट्स है या एनिमल है। कुछ देखने में ऐसा मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो जस्ट प्लांट जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। इसमें देखिए नीचे की तरफ अपन बोल रहे हैं कि रूट जैसा स्ट्रक्चर है, इसको नीचे की तरफ रूट भी बोल सकते हैं या हाइड्रोजोआ बोलते हैं अपन। इस वाला जो स्ट्रक्चर है, नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हाइड्रोजोआ बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोजोआ या रूट बोल सकते हैं। उसके बाद में जस्ट जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, जस्ट ऊपर की तरफ दोनों फॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं और दोनों फॉर्म में आप देख रहे हैं, तो मतलब ये जो तने जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें अंदर की तरफ, यानी ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं, जैसे आप स्टेम बोल रहे हैं इसी तरीके से इसको बोलते हैं हाइड्रोक्यूलस। ठीक है, ये हाइड्रोक्यूलस स्ट्रक्चर है। उसके बाद में देखिए आपको दोनों दो फॉर्म वहाँ दिखाई दे रही हैं, तो एक फॉर्म को आप बोलते हैं पॉलिपिया हाइड्रेंथ, यानी जो इस तरीके का स्ट्रक्चर ये आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं अपन पॉलिप। ये पॉलिप फॉर्म है और ये दूसरी मेडूसा फॉर्म है।
मेडूसा फॉर्म में देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, आपको कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को जिसमें तीन चीज़ें होती हैं, यानी गोनोपोर है और गोनोथीका है और उसके बाद में ब्लास्टोस्टाइल है, यानी ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इस स्ट्रक्चर में यहाँ मैंने एक ओपनिंग रखी है, इसको गोनोपोर बोलते हैं। ये धीरे की बाहर की तरफ आप देखते हैं तो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है जिसको गोनोथीका बोलते हैं, और अंदर की तरफ जो सेल्स हैं उनको बोल रहे हैं गोनोब्लास्ट। इस पूरे स्ट्रक्चर को, यानी तीनों की तीनों चीज जो आपको दिखाई दे रही है, यानी सॉरी, इनको बोलते हैं ब्लास्टोस्टाइल। नीचे वालों को मैंने गलत लिखा, इसको बोलते हैं ब्लास्टोस्टाइल, ब्लास्टोस्टाइल। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप नाम देते हैं गोनोन्जियम। इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन नाम देते हैं गोनोन्जियम, यानी जिसमें गोनोपोर, गोनोथीका और ब्लास्टोस्टाइल प्रेजेंट होते हैं उसको गोनोन्जियम नाम देते हैं। यहाँ देखिए, अब दूसरा स्ट्रक्चर की अपन बात कर रहे हैं, नीचे तने जैसा स्ट्रक्चर, हाइड्रोक्यूलस स्टेम बोल रहे हैं। इस स्टेम में यानी ब्रांचेज निकली हुई है, ठीक है, ब्रांचेज निकली हुई है, और इसी में ये जो है अंदर की तरफ है मेडूसा, इनसे मेडूसा का फॉर्मेशन होता है, तो इनको मेडूसा बड बोल देते हैं, और ये बड बाहर गोनोपोर के द्वारा बाहर निकलती है। अंदर की तरफ देखिए, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर मैंने दिखा रखा है, इसको बोलते हैं पेरी सर्कल एन्यूलाई, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इसको पेरी सर्कल एन्यूलाई नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए, बाहर की तरफ आपको बिल्कुल टेंटेकल्स, यानी ये जो माउथ है, ऊपर वाला जो रीजन है, यहाँ आपको जो मैंडिबल, ये टेंटिकल्स चारों तरफ से कवर कर रखा है, यहाँ अंदर की तरफ माउथ प्रेजेंट होता है, यानी माउथ इन टेंटिकल से घिरा होता है। तो ये जो पूरा एक तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जिसको पॉलिप या हाइड्रेंथ अपन बोल रहे हैं, उसमें आप देखेंगे तो आपको लार्ज साइज के टेंटिकल्स दिखाई देते हैं, उसी में माउथ होता है, माउथ कवर्ड है, यानी हाइपोस्टोम है उसमें, और उसमें नीचे की तरफ हाइड्रोथीका है पूरा का पूरा। जैसे अगर ये गोनोथीका, यानी इससे ये जो आपके ब्लास्टोस्टाइल है किससे कवर्ड है, गोनोथीका से, उसी तरीके से वहाँ पे हाइड्रोथीका प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है, हाइपोस्टोम प्रेजेंट है, और वो सब किससे, टेंटेकल से कवर्ड है, ठीक है। पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है माउथ वाला, वो पूरा का पूरा लार्ज साइज के टेंटेकल्स प्रेजेंट है, उन टेंटेकल से ये कवर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ आपको मॉर्फोलॉजी अगर देखते हैं मेडूसा की, तो इस तरीके का मेडूसा का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, ठीक है। अभी जैसे अपन इसका पॉलिप स्ट्रक्चर है उसका अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के देखते हैं, अगर इस तरीके से इसको काटें और काट के देखें, तो देखिए किस तरीके का अपने को स्ट्रक्चर दिखाई देगा। नॉर्मली आपको जस्ट ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसमें क्योंकि देखिए अपन हाइड्रोजोआ की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजोआ क्लास बात कर रहे हैं, तो यानी कि दोनों स्टेज, यानी पॉलिप और मेडूसा दोनों फॉर्म यहाँ प्रेजेंट होंगी। तो पॉलिप फॉर्म, एक फॉर्म पॉलिप है, दूसरी मेडूसा फॉर्म है, दोनों फॉर्म प्रेजेंट है। तो पॉलिप में आप देख रहे हैं पॉलिप का जो स्ट्रक्चर है, यानी पॉलिप वाली जो फॉर्म है, उसी से फिर मेडूसा का फॉर्मेशन होता है, लेकिन दोनों यही है। देखिए इसको अपन गोनोन्जियम जिसको बोल रहे हैं, इसी में मेडूसा का फॉर्मेशन होगा, यानी अंदर की तरफ जो सेल्स हैं इनको अपन मेडूसा बड नाम दे रहे हैं, और ये ब्लास्टोस्टाइल है अंदर वाली, और इसी में ये कवर्ड है किससे, गोनोथीका से, और बाहर की तरफ ये गोनोपोर के द्वारा बाहर खुल रही है। तो इनमें जो मेडूसा का फॉर्मेशन है, एक बड के रूप में मेडूसा बनेंगे, मेडूसा बनने के बाद में बाहर आएंगे गोनोपोर से, गोनोपोर से बाहर आके उनके बाद में टेंटेकल्स डेवलप होते हैं, फ्री लिविंग स्टेज होती है एक, यानी कि बिल्कुल वो फ्री लिविंग स्टेज में है अभी। तो ये जो फॉर्म है वो कैसी होती है, सेसाइल फॉर्म होती है, एक जगह स्थिर फॉर्म होती है, लेकिन जो मेडूसा है वो फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है। मेडूसा का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उल्टा छत्ते के आकार का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसमें नीचे की तरफ टेंटिकल्स लगे हुए हैं और नीचे ही माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो तरीके की देखिए यहाँ सरफेस होती है, एक ओरल सरफेस होती है और एक एबोरल सरफेस होती है। ये ओरल सरफेस, ये एबोरल सरफेस, तो माउथ एबोरल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और वो भी चारों तरफ टेंटेकल से कवर होता है, ठीक है, माउथ टेंटेकल से कवर्ड है। अभी जब अपन स्ट्रक्चर देखेंगे मेडूसा का, तब बात करते हैं। तो यहाँ दोनों फॉर्म,
पॉलिप और मेडूसा दोनों फॉर्म है। पॉलिप वाली जो फॉर्म है उसमें अपन ने बात की कि उसमें टेंटिकल्स, चारों तरफ टेंटिकल्स प्रेजेंट है, लार्ज साइज के टेंटिकल्स हैं। भी टेंटिकल्स का भी फंक्शन देखेंगे कि टेंटिकल्स क्या काम करते हैं, ठीक है, और नीडोब्लास्ट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है भाई। ये जितने भी टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स क्या करते हैं, दोनों तीनों तरीके के काम करते हैं। फूड को कैप्चरिंग में भी हेल्प करते हैं, सेंसरी ऑर्गन की तरफ भी हेल्प करते हैं। तो इन्हीं में नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं, तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को पकड़ते हैं तो वहाँ पे जो नीडोब्लास्ट सेल्स, जिनको अपन बोल रहे दंश कोशिकाएँ, वो दाग दी जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो ऑर्गेनिज्म है वो बेहोश हो जाएगा या मर जाएगा, क्योंकि उनमें एक टॉक्सिक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन, वो हिप्नोटॉक्सिन उसमें भरा हुआ रहता है। तो यहाँ ओबेलिया में ये सारी चीज़ें अपन ने देखी। तो जो पॉलीफॉर्म है उसमें अपन कह रहे हैं कि टेंटिकल्स प्रेजेंट है, टेंटिकल्स माउथ को कवर्ड कर रहे हैं माउथ के, फिर उसके बाद में हाइपोस्टोम प्रेजेंट है, और पूरी की पूरी जो मेम्ब्रेन है, मतलब पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किससे कवर्ड है, वो हाइड्रोथीका से कवर्ड है, ठीक है। तो इस कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है इसको अपन हाइड्रेंथ नाम देते हैं, पॉलीपिया हाइड्रेंथ बोलते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन ने नाम दिया गोनोन्जियम, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो पॉलीफॉर्म है, पॉलीफॉर्म को अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं, यानी लंबा इस तरीके से सेक्शन काट के देखते हैं, तो क्या चीज़ अपने को उसमें दिखाई देती है। देखिए यहाँ आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर अपन अभी देखते हैं। देखिए इस तरीके का कुछ रफ सा डायग्राम मैंने बनाया है, इस तरीके का कुछ डायग्राम आपको दिखाई देता है। इसमें स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ऊपर ही ऊपर की तरफ आपको एक ओपनिंग दिखाई दे रही है जिसको अपन बोलते हैं माउथ, ठीक है। और माउथ के दोनों तरफ देखिए, अपन ने पहले भी जब स्ट्रक्चर देखा जनरल, तब अपन कह रहे थे कि दोनों तरफ टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, ये टेंटिकल्स हैं दोनों तरफ माउथ के, और टेंटिकल्स ठीक है। चलिए अब देखिए नीचे की तरफ आते हैं अपन, थोड़ा सा नीचे की तरफ देखेंगे तो माउथ किससे कवर्ड है, अपन ने इसको नाम दिया था हाइपोस्टोम,
ठीक है, हाइपोस्टोम है। फिर थोड़ा सा अपन नीचे की तरफ चलते हैं तो अंदर की तरफ आपको एक बिल्कुल ये कैविटी दिखाई दे रही है, अंदर की तरफ ये कैविटी है जिसको नाम दे रहे हैं अपन गैस्ट्रोवेसिकुलर। गैस्ट्रोवेसिकुलर या सिलेंट्रोन कैविटी नाम देते हैं इसको, ठीक है। इस कैविटी के जस्ट नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यानी ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं अभी, इन सेल्स देखिए बिल्कुल रफ डायग्राम मैंने बनाया है, इन सेल्स को बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, उसके बाद में जस्ट नीचे की तरफ और चलते हैं अपन तो इनमें अंदर की तरफ जो ये वाली जो लेयर्स है इसमें भरा हुआ है मेसोग्लिया। मेसोग्लिया भरा हुआ है और जस्ट नीचे की तरफ फिर अपन चलते हैं इसमें तो ये बाहर की तरफ जो कवरिंग दिख रही है आपको, ये बाहर वाली जो कवरिंग दिखती है इसको अपन ने अभी नाम दिया था कि अभी जब स्ट्रक्चर देख रहे थे कि पूरा का पूरा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किससे कवर्ड रहता है, वो हाइड्रोथीका से कवर्ड रहता है, तो इसको नाम दिया हाइड्रोथीका। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा किसी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है जिसको नाम देते हैं हाइड्रोथीका। ठीक है, उसके बाद में नीचे की तरफ जो रिंग्स प्रेजेंट थी उनका नाम बताया था मैंने आपको, पेरी सर्कल एन्यूलाई बोलते हैं इनको। तो इस तरीके का कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसमें ये नीचे वाली सेल्स गैस्ट्रोडर्मिस और बाहर वाली जो सेल्स होती हैं इनको एपिडर्मिस नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ने कहा कि अब ये कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक है नेचर में, डिप्लोब्लास्टिक है यानी दो लेयर्स प्रेजेंट हैं अंदर की तरफ, जो गैस्ट्रोडर्मिस है उसको एंडोडर्म बोल सकते हैं और बाहर की तरफ जो सेल्स हैं उनको अपन नाम दे सकते हैं एक्टोडर्म, क्योंकि ऑर्गेनिज्म अब कैसा है डिप्लोब्लास्टिक। तो अपन ने जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा तो इस तरीके का कुछ ऑर्गेनिज्म का जो पार्ट्स है वो दिखाई देते हैं, उनमें ऊपर की तरफ एक स्लिट लाइक ओपनिंग है जिसको माउथ बोल रहे हैं और ये चारों तरफ हाइपोस्टोम से कवर्ड है, इनको भी चारों तरफ से कवरिंग दे रखी है टेंटेकल्स ने। फिर अंदर की तरफ देखते हैं तो एक कैविटी माउथ है पीछे की तरफ कैविटी में खुल रहा है जिसको गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी या सिलेंट्रोन कैविटी नाम देते हैं। उसके बाद में जो सिलेंट्रेट कैविटी है इस कैविटी के चारों तरफ जो सेल्स हैं उनको गैस्ट्रोडर्मिस, और इसके जस्ट पीछे की तरफ देखेंगे तो मेसोग्लिया भरा हुआ है यानी गैस्ट्रोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में मेसोग्लिया भरा हुआ है अंदर की तरफ, तो ये बीच में मेसोग्लिया हो गया और बाहर की तरफ वाली जो लेयर है उसको एपिडर्मिस और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है जिसको बोलते हैं हाइड्रोथीका। ठीक है, तो इस तरीके का पूरा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है पोलिप का, जब उसका LS सेक्शन काटते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं तो ये सब चीज़ें अपने को दिखाई देती हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए दो फॉर्म की यहाँ अपन बात कर रहे हैं, एक फॉर्म होती है पोलिप और दूसरी होती है मेडुसा। तो फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं अपनी जो फॉर्म है पोलिपिया, इसको अपन नाम दे रहे थे, दूसरा एक नाम अभी मैंने और बताया था कि जिसमें कंबाइंड ये सब स्ट्रक्चर है उसको हाइड्रेंथ भी बोलते हैं। इस फॉर्म को अपन नाम देते हैं पोलिपिया हाइड्रेंथ, दोनों तरीके दोनों नाम दे सकते हैं। देखिए आप देखेंगे यहाँ इस ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, पोलिप फॉर्म को देखते हैं, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था पोलिप का, तो पोलिप को देखेंगे तो यहाँ इसके चारों तरफ यानी एक पोलिप जो स्ट्रक्चर है उसमें बिल्कुल बीच में एक माउथ है और उसके चारों तरफ टेंटेकल्स प्रेजेंट है, और ये जो पोलिप है ये एक तरीके से न्यूट्रेटिव जोइड्स है यानी फीडिंग जोइड्स अपन इसको कह सकते हैं। तो ये नीचे की तरफ, ऊपर आप इसका स्ट्रक्चर अलग है, नीचे की तरफ देखते हैं तो बिल्कुल ये सिलेंड्रिकल या एक तरीके से कह सकते हैं कोनोलर होलो, अंदर की तरफ से एक ट्यूब निकल रही है, इसमें ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और पीछे की तरफ तो ये नीचे की तरफ अपन ने देखा है कि नीचे की तरफ रूट्स हैं, नीचे की तरफ रूट्स पे ये अटैच्ड है रूट के द्वारा और चारों तरफ से इसको टेंटेकल्स ने कवर कर रखा था यानी 24 से 30 तक
यानी 24 से लेकर 30 तक यहाँ टेंटेकल्स प्रेजेंट हैं जो इसको चारों तरफ से कवर करके रखते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी थी और चारों तरफ एक मेम्ब्रेन से कवर्ड थे जिसको हाइड्रोथी का नाम दिया, उस कवर से ये चारों तरफ से कवर्ड है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आपको दिखाई देता है पोलिप का, ठीक है। और पोलिप साथ में देखा अपन ने कहा कि जो सिलेंट्रेट्स हैं उनमें जो हाइड्रोजोआ क्लास है उसमें दोनों स्टेज प्रेजेंट है। तो एक तो अपन ने देखा पोलिप और साथ में ही दूसरा और था यहाँ पे जिसको अपन नाम दे रहे थे गोनेंजिम, ठीक है। गोनेंजिम जिसको नाम दिया ब्लास्टोस्टाइल, जहाँ अपन बात कर रहे हैं कि मेडूसा बर्ड का फॉर्मेशन होगा, तो वो भी स्ट्रक्चर यहीं प्रेजेंट होता है। उसको आप देखेंगे स्ट्रक्चर को तो पूरा का पूरा वो कैसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसमें ब्लास्टोस्टाइल है, और ब्लास्टोस्टाइल अंदर की तरफ आप देख रहे हैं तो उसमें मेम्ब्रेन से कवर्ड है जिसको अपने गोनोथी का नाम दिया है, और बाहर की तरफ वो एक एपरेचर के द्वारा एक पोर के द्वारा खुल रही है जिसको गोनोपोर नाम देते हैं, और उसी में मेडूसा का फॉर्मेशन होता है यानी मेडूसा बड बनते हैं। तो मेडूसा बड का फॉर्मेशन होगा, बड का फॉर्मेशन होने के बाद में मेडूसा बनेंगे, मेडूसा बन के कहाँ बाहर आ जाएंगे, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गोनोपोर के द्वारा बाहर रिलीज हो जाएगा, रिलीज होकर फ्री लिविंग स्टेज है यानी प्लेनुला लार्वा अवस्था आएगी, उसके बाद में ये फ्री लिविंग स्टेज है। देखिए फ्री लिविंग इस तरीके का स्टेज है जिसमें अब क्या होगा, मेडूसा बनेगा। मेडूसा में मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ मेडूसा में दोनों तरीके के गैमिट्स बनेंगे यानी मेल और फीमेल गैमिट्स प्रेजेंट हैं इनमें दोनों में। तो फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने के बाद या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में फिर प्लेनुला लार्वा बनता है, और लार्वा सेसाइल नीचे किसी भी सरफेस पे चिपक जाएगा, चिपकने के बाद में वापस से कन्वर्ट होता है यानी पोलिप स्टेज में कन्वर्ट होगा, वापस से पूरा एडल्ट ओबेलिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की इसमें स्ट्रक्चर चलती है, इसीलिए पोलीमॉर्फिक या मेटाजेनेसिस की अपन यहाँ बात करते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपने अभी स्ट्रक्चर देखा कि ये पोलिप का स्ट्रक्चर था, और पोलिप के स्ट्रक्चर में अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी कि ऊपर की तरफ माउथ खुल रहा है, नीचे की तरफ जो माउथ को हाइपोस्टोम ने कवर कर रखा है, चारों तरफ टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पोलिप का था। उसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपन मेडूसा की बात करेंगे कि मेडूसा स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा दिखता है, किस तरीके के उसमें जोइट्स गैमिट्स, किस तरीके से गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, और टेंटेकल्स कितने और कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो मेडूसा का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो बिल्कुल आपको क्लियर छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसमें रेडियल कैनाल्स निकली हुई है, और रेडियल कैनाल्स पे ही इनके जो गोनोपोर्स या एक तरीके से अपन कहें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो उन रेडियल कैनाल्स पे ही प्रेजेंट होते हैं, वहीं पे फिर गैमिट का फॉर्मेशन होता है। और माउथ इसमें अपन ने कहा कि एबोरल सरफेस पे नीचे की तरफ वेंट्रल साइड में टेंटिकल से कवर्ड रहता है, या 6 से 10 तक टेंटिकल्स होते हैं तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे मेडूसा स्टेज की कि मेडूसा का फॉर्मेशन कैसे होता है, और किस तरीके से इसमें गैमिट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में फिर अपन इसमें डेवलपमेंट की बात करेंगे किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। सो आज के लिए इतना ही।